अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपको चिप्स बनाने का तरीका बता रही हूँ डोलेंट माइक्रोवेव ओवन में। ये इसका मॉडल है 133 और मैं इसमें चिप्स बनाऊंगी आज। और बहुत लोगों के क्वेश्चन थे कि बेकिंग का और उसका प्री हीट का तरीका बता दें, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊँगी। अभी फ़िलहाल ये चिप्स बना रही हूँ तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपको ओवन से रिलेटेड वीडियोस मैं शेयर करती रहूँगी। ये मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प कर रहे थे साथ, उन्हें खानी थी चिप्स, उनका दिल कर रहा था तो गैस चली गई थी। पंजाब में ये इशू होता है ना गैस जाने का, तो फिर इस वजह से मैंने ये कटर आलू को पहले छील के स्लाइस बना लेंगे अगर आपके पास कटर है तो, नहीं तो छुरी से बारीक बारीक काट लें इस तरह से के अंदर ख़राब होता है ये भी निकाल लें ताकि चिप्स अच्छी बन सके। और ये हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ा सा घी या ऑयल जो भी हो, ये मिक्स करके अच्छी तरह से नमक मिक्स करके उसमें एक चम्मच, ये ज़्यादा चिप्स है इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डाल रही हूँ। आपने जितने आलू लेने हो उतनी उसी हिसाब से नमक और ये डाल लें ऑयल। ये घी डाल रहे हैं हम, इसमें भी घी डाल के भी ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर ये ट्रे लिया है, ये ज़्यादा है चिप्स इसलिए मैं बड़ी चीज़ ले रही हूँ, प्लेट में पूरे आ सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा थी इस वजह से मैंने ये ट्रे ले लिया। इसमें ऑयल से ब्रश करके और ये हमने ऐसे सेट कर देने हैं एक एक करके। पहला आके ये ट्रे माइक्रोवेव में रख के और हमने इसमें पोटैटोज जो इसका मोड है वो सेलेक्ट करके उस पर हमने, मैंने 2 मिनट सेट किए थे, ये ऑटोमेटिकली 4 मिनट सेट हो गए हैं तो हमने इनके इसको इस पर 4 मिनट पे वो कर दिया था। अब ये बन गई है चिप्स और ये देखिए ये अभी थोड़ी सी हवा लगेगी तो ये तो अभी वैसे है नरम नरम है तो ये खुद ही क्रिस्पी हो जाएगी। ये देखिए ये इस तरह से बन के तैयार हो गई है, बिल्कुल लेस की तरह है। आप अगर इसमें कोई मसाला या कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी अपने हिसाब से कर। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।